क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 13 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो यदि आप इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को समझ ले तो बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करना। पहले तो एक हेमिस्फेयर हमें कट करना है। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट का मतलब एक हेमिस्फेरिकल गड्ढा बना दिया एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक से, मतलब एक लकड़ी का वुडन ब्लॉक था क्यूब, उसमें से हमने गड्ढा काट करके उसको हेमिस्फेरिकल टाइप का गड्ढा बना दिया। तो यहाँ पे देखो एक क्यूब का ऊपर का फेस दिख रहा है और यहाँ पे ये जो बीच में है वो हमने हेमिस्फेयर कट कर रखा है, लेकिन एक उसमें कंडीशन है। ये कंडीशन ये है कि डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो देखो, तो ये जो डायमीटर है ये इधर से देखो चाहे इधर से देखो ऐसे, तो ये एज ऑफ द क्यूब के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा ये जो हेमिस्फेयर है उस वुडन ब्लॉक के अंदर वो बड़ा भी हो सकता है। तो मैं एक दूसरा फिगर दिखा रहा हूं, देखो इसमें पूरा ही एज को ए पकड़ रखा है, पूरा एज कवर कर लिया है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि ये हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो किसके बराबर है, टू द एज ऑफ द क्यूब। अब इस सिचुएशन को देखो, जैसे इस वुडन ब्लॉक में से एक हेमिस्फेयर बाहर कर लिया, तो मैं एक हेमिस्फेयर यहां से बाहर निकाल देता हूं। आप ये समझ लो कि ये इतनी लकड़ी ये जो वुडन ब्लॉक का पार्ट में से बाहर निकल गया। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या है कि डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ये जो बच गया, ये हेमिस्फेयर तो बाहर निकल गया, अब जो बचा हुआ है उस सॉलिड का सरफेस एरिया कितना है। तो यहां पे जो ऊपर का पार्ट है इस क्यूब में, उसमें से हेमिस्फेयर हटने के बाद आपको कोने का कुछ जगह खाली दिख रहा है और बीच में एक सर्कल दिखाई देगा। जो कोने का ये जो थोड़े थोड़े से पार्ट्स है वो तो यहाँ पे रह गया ऊपर का सरफेस में, ये बस बीच की सर्कल है वो वहाँ से निकल गया है हेमिस्फेयर लेकर के। तो अब हम ये लिखेंगे कि एज ऑफ द क्यूब कितना है एल, और रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना है। तो यही आपको समझना है। इतने फिगर्स ड्रॉ करने का मतलब है कि आप ये सिचुएशन समझो कि रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना है। तो हमें पता है कि ये जो डायमीटर है हेमिस्फेयर का वो एज ऑफ द क्यूब के बराबर है। तो डायमीटर है एज के बराबर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, एज का हाफ हो जाएगा। एज ये ई डी जी ई एज का मतलब होता है किनारा, ये ए जी ई एज नहीं है। ए जी ई एज का मतलब होता है जैसे कितना उम्र है, कितने वर्ष के हो, लेकिन यहाँ पे ई डी जी ई है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, एल बाई टू। आपको ये अच्छे से समझना चाहिए कि डायमीटर है एज के बराबर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, एज का हाफ। तो अब हम टी एस एफ सॉलिड निकाले, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ये क्या क्या होगा, एक तो हो गया सी एस एफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का ये जो गड्ढा है यहाँ पे बना हुआ उसका पूरा एरिया लेना होगा, प्लस एरिया ऑफ क्यूब लेना होगा, और इसमें से बीच का जो सर्कल है वो हटाओ। तो हमने सी एस एफ हेमिस्फेयर लिखा, टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखा, उसमें से बेस का एरिया हटा देंगे क्योंकि वो है नहीं, वो वहां की जगह हेमिस्फेयर ने ले लिया है। अच्छा, इसके बाद हम वैल्यूज रखें, तो सी एस एफ हेमिस्फेयर 2πr2। आपको ये याद रखना है कि जो स्फेयर का एरिया का फॉर्मूला था 4πr2, यहाँ पे हेमिस्फेयर है इसका मतलब स्फेयर का आधा है, इसलिए हमने 2πr2 लिखा। और टी एस एफ क्यूब, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a2, क्योंकि एक साइड का एरिया होगा ए स्क्वायर, उसमें 6 ऐसे साइड्स है, तो ये 6a2। और बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, बेस एरिया में ये हो जाएगा सर्किल का एरिया πr2। इस पर देख लो ये जो व्हाइट कलर का है वही है बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो ये πr2 है क्योंकि फुल सर्कल है ये। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 2πr2 में से 1πr2 कम कर दो तो ये हो जाएगा πr2, और ये है 6a2 उसके साथ में रहेगा ही। आर की वैल्यू L/2, क्योंकि ये रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर है,
तो ये L बाई टू हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है, और ये 6 के साथ में जो ए स्क्वायर है वो ए क्या है, साइड ऑफ क्यूब है, तो इसको हमने L मान रखा है, तो इसलिए a की जगह पे हमने L लिख दिया। यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर की जगह पे पाई, r की जगह पे L बाई टू का स्क्वायर, और 6 ए स्क्वायर की जगह पे 6 L स्क्वायर लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है धीरे धीरे, तो ब्रैकेट के अंदर जो पाई बाई टू का स्क्वायर है वही हो जाएगा L स्क्वायर बाई फोर, और 6 L स्क्वायर यहाँ पे हम LCM ले लें तो 4 हो जाएगा, और ऊपर में रह जाएगा पाई एल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4 24 एल स्क्वायर हो गया। ये एल स्क्वायर ऊपर वाले में से कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा पाई प्लस 24। वैसे तो आंसर आ गया, यदि आप इसको नंबर को अलग लिखना चाहते हो तो 1/4 बाहर लिख दो और बाकी के नंबर साइड में लिख दो। ये 1/4 बाहर जाने के बाद एल स्क्वायर इंटू पाई प्लस 24 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया।